चार मेल टाइगर के बग मार्क्स लगे हुए थे फ्रेश, तो उसी को सर्च कर रहे हैं हम इस एरिया में अभी, क्योंकि फ्रेश हैं तो यहाँ हो सकता है कि आ जाए किसी को। टाइगर 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 टाइगर, बहुत क्लोज आ गई है। हाँ ये बवाल मत करो, सुनो करो, पीछे कर भाई, रुक जाओ, चलो चार्जिंग कर सकते हैं, बहुत दिन बाद आई है। अरे आ रहा यार टाइगर, जाने दो उसे नीचे जाने, लेट्स गो लेट्स गो। बट मैं आपको सच्ची बताऊं, ढिकाला में अभी थोड़ी कम चल रही है साइटिंग, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रही, अच्छी हो जाती है, होती है तो, मगर यहाँ पे जो है ना झिरना और ढेला वाली साइड पे, मतलब आंखों देखी होगी ये बात, तो अभी जो साइटिंग हुई है मतलब। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। तो भाई देख रहे हो सिर्फ markings दिख रही हैं जो लाइट से जली हुई हैं, बाकी पूरा अंधेरा है अभी, क्योंकि हम निकल रहे हैं अपनी सफारी के लिए मॉर्निंग वाली, और थोड़ी लाइट में जाके बात करता हूँ। अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 4:45। तो गाइस ऑफिशियली वेलकम करता हूँ, वेलकम बैक टू द चैनल, यू वाचिंग माइल चेजर्स। अभी हम आ गए अपने ढेला गेट पर, और अभी झिरना में सफारी जैसे कल थी, बट अब मॉर्निंग वाली है और हम लोग सब साथ में हैं। अरे कल अब हम मनी थे, आज भी हैं, और ये रहे अपने सोनू भाई। हेलो, इनका नंबर जैसे बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारी सारी सफारी कॉर्बेट की यही बुक कराते हैं। तो अभी चलते हैं, हमने आगे आगे आके गाड़ी लगा दी है, और एक ही गेट होता है ढेला और झिरना के लिए, जो अंदर से ढेला का रास्ता हो जाता है और इस तरफ जाओगे तो झिरना आ जाता है। तो आज हमारा झिरना है, दिन में हमारा ढेला भी है वैसे। और अपने साथ दोबारा से दीपक भाई आ गए हैं, जो हमारे साथ कल भी थे और आज भी यही रहने वाले हैं, अभी की सफारी में भी और नेक्स्ट में भी आप ही रहेंगे ना। चलिए बढ़िया, फिर पगमग लगा हुआ है, कई बार यहाँ पे मेल टाइगर क्रॉस करता है ना। अच्छा, तो ये वाला कॉमन एरिया है ढेला और झिरना के लिए, तो जो अगर आप झिरना बुक करते हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा बोनस हो जाता है, या आपको ढेला का भी मिल जाता है घूमने के लिए। वहाँ सनराइज हो रहा है, लुक एट दिस ग्रासलैंड, सो ब्यूटीफुल। एक तरह से हमारा झिरना शुरू होता है, जो कच्चा रास्ता है, अभी तक हम ढेला वाले एरिया में थे, अब हम प्रॉपर झिरना में आ गए। चलो यहाँ पे एंट्री होती है, उसके बाद हम मेन अपना चलेंगे। सो फटाफट भागे हम यहाँ से ना, वहाँ पे मोर की कॉल हुई है, लेट्स सी, बहुत तगड़ी कॉल हुई मोर की उधर। पंजे चेक कर रहे हैं कि लगे हैं तो पग मार्क्स, लगे तो हैं, पीछे जाना चाहिए, पंजे तो उतार दीजिए, मुझे बोल रहे हैं सर मेल टाइगर के पग मार्क्स लगे हुए थे फ्रेश, तो
उसी को सर्च कर रहे हैं हम इस एरिया में अभी, क्योंकि फ्रेश है तो यहाँ हो सकता है कि आ जाए। ब्यूटीफुल लोकेशन, कल भी हम यहीं पे खड़े थे काफी देर। समझे ना क्या यार, फीमेल के घर आने के, अब वो बोल रहा था, बंदर बोल रहा था, पूरा लंबा चलेगा ये। बस 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 मैंने साइड में क्या खड़ा है, लाल लाल मैंने नहीं देखा, मैं मेरे को एकदम दिखा। चलो चुप रहेंगे ये वीडियो बना रहा हूँ। और पीछे अच्छा बैक करके लगानी जाए ना बस। ये मुंह क्यों खोल के बैठी है इतना, वैसे स्मेल ले रही है। स्मेल ले रही हो? अच्छा स्मेल ले रही है, बहुत दिन से आई नहीं इधर। अच्छा बहुत दिन गए बाद आई है तो इसलिए स्मेल ले रही है। 5 दिन बाद आई है इधर। Beautiful, नंबर ये कुछ नाम है इसका क्या? मैंने इसके नेचुरल फोर बना हुआ है। अच्छा चार इसलिए कहते हैं, फोर बना हुआ है। हमारे सामने टाइगर है यार, क्या बना हुआ है, लग रही होगी। कॉर्बेट की साइटिंग की अलग ही बात है यार, यहाँ क्या फ्रेम बनता है रोड पे। हमने एकदम टर्न करा और मुझे एकदम से दिखी टाइगर सामने। अभी हम इस रोड से गए थे एक मिनट पहले, ये अंदर जा रही है यार। जाएगी तो नहीं आएगी, साजिद भी इधर ही आ जाता बस। रोड रोड चले मज़ा आ जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत क्लोज आ गई है। हाँ ये बवाल मत करो, पीछे कर भाई रुक जाओ। चलो चार्जिंग कर सकते हैं, बहुत दिन बाद आइए। अच्छा डियर पे नज़र पड़ी है उसकी, बैक करो गाड़ी। ये मेरी बकेट लिस्ट में था कि मुझे हेड ऑन टाइगर, यहाँ से ऊपर कट रही है डियर देख। वही तो बड़ी हमने घुमाया और हेड ऑन। अब सही मिलेगा अगर आगे को। मैंने आपको क्या बोला था कि सुबह दिखेगा, और इतनी सफारी इसको यार, जंगली मुर्गा दिखा मुझे तो टाइगर दिखेगा, तो वही हुआ। इतनी पास थी कि देख के ऐसा लगा कि दत्ता बने होते हैं। मैं तो बैक करो भाई, रोड पे दिखना ना, क्या बात है। तो यार वहाँ पे आ रही थी, वही मुझे भी लग रहा है ना ऊपर चढ़ गई है थोड़ा। वहाँ पे उसने डियर दिख रहा था जिसके पीछे गई है वो अंदर की तरफ। बट वाओ दोबारा से आपके साथ एक और टाइगर, क्या बात है। दोबारा अंदर गई है सर। या तो ना आप पीछे वाली सीट पे चले जाओ और नीचे बैठ के लेवल से बनाना वीडियो। जब नजदीक आ जाएगी तब कूक मार देना उनको। हम
जाता है। अंदर चली गई वो आगे बढ़ानी पड़ जाएगी। अरे आगे कर ले, चलो 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 चलो। अरे लंबा चल रही है पूरी रोड, रोड मैंने कभी इतनी देर ऐसे रोड पे चलती नहीं देखी है। आगे बढ़ा कमा, आगे बढ़ा, स्प्रे मारा, ये मार्किंग करी, किलो मत अम्मा, आगे बढ़ा। सो यार ये लोग कह रहे हैं कि वो ना शायद इतना ज़्यादा इसलिए दिख रही है, शायद अपने बच्चों को ढूंढ रही है, उसका तीन बच्चे हैं और बड़े ग्रोन हैं, तो अगर दिखेंगे चारों साथ में मज़ा आ जाएगा। वो ढूंढ रही है अपने बच्चों को। हाथी भी दिख रहे ये वाले बच्चे, क्यूट है ना। ले चले से घर अरे बढ़ा लो भाई, लोग बढ़ा लो यार, अरे आगे वाले बढ़ा लो, ये आ जाएगी रोड रोड। मम्मा सामने मत आओ, अरे आ जाओ, इतना टाइम थोड़ी देगा टाइगर यार, निकलो आगे। अरे यार ये आ जाएगी रोड रोड साहब, एक्सक्लूसिव। चलो चलो आगे बढ़ाओ ध्यानी जी, बढ़ाओ बढ़ाओ यार। चलो सुन भाई नीचे, अरे आ रहा यार टाइगर, बढ़ाओ जाने दो उसे नीचे, लेट्स गो लेट्स गो। अरे यार गाड़ी पीछे कर रहे हम लोग, क्योंकि रोड पे चल रही है भाई, ये पीछे वाला चलो चीखना नीचे, चलो 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 चलो। अरे पीछे भी गाड़ी बना रहा है, पीछे वाला आगे बढ़ाओ यार, यार वो उतर रही थी। सर हिला मत इतना, अरे कोई बात नहीं, बड़ा ही नहीं रहा, क्या करें। अरे बढ़ाओ यार, अजय भाई चलो चलो। सर हमने देख ली इतनी थी, हम सबको मौका दे रहे हैं कि सब लोग जाकर फाइटिंग देख कर आते हैं, ताकि सबको टाइगर दिख जाए, इसलिए हम आगे आगे रुक गए हैं ताकि सब जाके देख रहे हैं। ये लोग सब बैक आ रहे हैं, तो मतलब दोबारा से चल रहा है टाइगर, गाड़ी मत हटाना, चल रहा है टाइगर। कह रहे हैं कि शायद रोड से हट के वहीं रहने देना, जंगल में आ गया, तो हो सकता है हमारे सामने निकल आए। भाई एक और टाइगर दिख गया हमारे को यहाँ ऊपर, एक और टाइगर है, कोशिश करते हैं दिखाने की, ये रहा। हम तो चाय पीने जा रहे हैं, ये नीचे उतरा है उधर। सो भाई ये दूसरा मेल टाइगर था, तो ऊपर से उतरता है अगर तो दिखता है, मतलब अभी कन्फर्म नहीं है कि मेल है या फीमेल, बट अगर ऊपर से आएगा तो देखते हैं, बट दूसरा है ये कन्फर्म्ड है। तो जंगल में एक ऐसा मोमेंट आया था जब हमने राइट हैंड साइड पे देखा, तो हमारे टाइगर बैठा था वहाँ छोटी सी पहाड़ी पर, और तब तक हमारे को पता नहीं था, हम उसको ढूंढ रहे थे, कॉल हो रही थी, जब राइट पे देखा इतना क्लोज था कि उस टाइम डर लग गया, आसपास जिप्सी थी तो एकदम मूव होने का टाइम भी नहीं मिला। और अब ये सोचो कि उस टाइम जो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और एक जो डर का माहौल होता है ना, उस सबका कॉम्बिनेशन की वजह से मैं अपना रिकॉर्ड बटन ही दबाना भूल गया जब मैं अपने कैमरे से शूट कर रहा था। तो अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये फ़ोन से शूट करी गई है, तभी थोड़ी क्वालिटीज़ की ऐसी है, बट देन ऐसा हो जाता है यार, बाद में मैंने देखा और रियलाइज़ करा कि शिट ऐसा मोमेंट कैप्चर होना रह गया, बट थैंकफुली फ़ोन में हमारे पास वो वीडियो थी। ये सर अंदर ही है एकदम, अंदर चली गई, क्या बात है। और अभी जो हमने पहले देखी थी टाइगरेस वही थी, दूसरी नहीं थी अभी, तो वो लोग वहीं पे नीचे देख रहे हैं, बट क्योंकि हम इतनी अच्छी देख चुके हैं तो हम इधर आ गए हैं, हाथी आ गए, ताकि हम कोशिश करके और अच्छा शॉट ले सकें। तो यही बात है यार कि अगर अच्छा फ्रेम मिले ना, वो वाले मस्त बात होती है। तो वो लोग वहाँ खड़े हैं तो हम वहाँ से हट गए हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना हो हल्ला हो गया है कि अगर थोड़ा इधर को आ जाएगी तो एक्सक्लूसिव साइटिंग हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ एलिफेंट्स भी हैं जो मज़े से खा रहे हैं, हाथी को तो मतलब ही नहीं है, टाइगर होना उसे खाना है ज़रा।
चलो भैया हम आ गए हैं चौकी पे, चाय वाय पीते हैं यहाँ पर। मजा आ गया? अरे मस्त। यार हर बार का डायलॉग है यही। चलो मैं ना शुरू से ये वाली साइटिंग एक्सपेक्ट करती थी कि मुझे हेड ऑन हो, और मजा आ गया। मैं मैनिफेस्ट कर रही थी। चलो बस देखते हैं। वो वाले अंकल हैं जिनसे हमने कल कॉफी ली थी, जिन्होंने यशवी को डांटते गया था। डांटा नहीं था वो, ये कह रहे थे कि मैं आपको डांट सकता था पर मैंने आपको डांटा नहीं। मैंने कहा थैंक यू अंकल, आपने मुझे नहीं डांटा। कैसे 2000 का नोट दे रही थी, अंकल का मुंह बन गया कि जंगल में आ रहे हो 2000 का नोट दे रही है। पापा की रीलें चालू हो चुकी हैं, पूरी पूरी रील बनवाते हैं भाई। जब वापस निकले हैं वहाँ से हम घूमने के लिए, क्योंकि हमारा सफारी का टाइमिंग भी काफ़ी बच्ची मार्क कर रहा है, तो लेट्स चेक कि हम उसको ही ट्रैक कर सकें या कोई और टाइगर दिख जाए। तो कोशिश करते हैं दोबारा से। कितने पहले हटाया था गांव यहाँ से? लगभग 17-18-20 साल। अच्छा 20 साल हो चुके हैं। ओ पहले सोचो गांव था, काफ़ी टाइम बाद तक रहे यहाँ पे, 3-4 साल ऐसे रहे। अच्छा गांव तो बहुत पहले अलाउड हो गया था इनको, वहाँ काशीपुर रामनगर बीच में बाहर की तरफ कर दिया था ना। बट अरे ये है यहाँ पे बच्चे हैं दो और टाइग्रेस है, वो यहाँ पे घूमती है और यहाँ साइटिंग होती है रोड पर कई बार। बहुत सुंदर साइटिंग। थोड़ी देर अभी वेट करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं बोला मूवमेंट है। अभी भैया दिखा रहे थे हमारे को कि इस रोड पे इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली साइटिंग हो जाती है कि सामने गाड़ी खड़ी है, यहाँ से दिखाया था वीडियो उन्होंने कि टाइगर निकल कर आया यहाँ पे, चलता रहा रोड पर, यहाँ भी लौट रहा था। तो साइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है इस रोड पे। क्रॉसिंग्स है यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे वाटर सोर्स है और ये है ढेला वाला जोन, तो ढेला के जो टाइगर हैं वो यहाँ से निकल के पानी के चक्कर में उस तरफ जाते हैं, सो तब क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा है इधर। चलो यार काफ़ी देर वेट करा हमने वहाँ पर, बट वहाँ पे अभी कोई मूवमेंट थी नहीं क्योंकि अब देखोगे ना धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो सुनो भाई फिर मिलते हैं, अभी हमारी और सफारी बची है। मगर एक चीज़ तो प्रूव हो गई है कि यहाँ पर तो झरना में साइटिंग होती है। साइटिंग होती है क्या? साइटिंग ढिकाला ही ढिकाला बोलता है वही, मतलब जब से हमने ढिकाला वाला बनाया है ना तब से बहुत लोग ढिकाला के बारे में बात करते हैं। बट मैं आपको सच्ची बताऊँ, ढिकाला में अभी थोड़ी कम चल रही है साइटिंग, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रही, अच्छी हो जाती है होती है तो, मगर यहाँ पे जो है ना झरना और ढेला वाली साइड पे, मतलब आंखों देखी होगी ये बात, तो अभी जो साइटिंग हुई है मतलब तबीयत से साइटिंग। और ये बहुत टाइम बाद जाके किसी को ऐसी साइटिंग होती है जब बहुत टाइम देते हो, बट यहाँ पर आके तो मतलब सरे हम हर गाड़ी को दिख रहा है बाहर, इतनी फेमिलियर है टाइगर यहाँ पर ये वाले। तो झरना इस टाइम बहुत तगड़ा चल रहा है, तो अगर आप कॉर्बेट आ रहे हो, ढेला हो गया, झरना हो गया, इन सबको टाइम दो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी साइटिंग चल रही है यहाँ पर। और देखते हैं दिन में हमारा ढेला भी है वहाँ पर क्या रहता है, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। बिल्कुल सर, दिन में भी पूरी कोशिश रहेगी। हाँ जी ढेला में वही है, तो सोनू भाई का यही है, मतलब कोशिश पूरी करते हैं, दिखना होगा तो आपको दिखा के लेकर आएंगे। हमारे को वैसे ढिकाला में भी इन्होंने दिखाया था, उस टाइम 3-4 गाड़ियों को दिखा था बहुत अच्छा, उनमें से हम एक थे। तो भैया इनको कॉल कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर है और बहुत तगड़े तरीके से करा देंगे आपके यहाँ पे बुकिंग, कोई भी आपको जोन चाहिए तो भी। प्लस मैं बात करता हूँ तो हमने एक फाटो जोन भी लोग गए थे जो उन्होंने मेरे से ही नंबर लिया था सोनू भाई का, और वहाँ भी उन्हें मतलब बच्चों के साथ साइटिंग हो गई फाटो में भी, तो साइटिंग कहीं पर भी हो सकती है। तो बाकी जोन्स जो हैं उनमें भी जाके सफारी करा करो भाई, यही मेन मोटिव था। और इस बार मेरा जेन्युइन ये मोटिव था कि मैं यहाँ पे आके ये बनाऊँ कि भाई बाकी जोन्स में टाइगर मूवमेंट बहुत सॉलिड है। तो मिलते हैं फिर दोबारा से नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हमारे को दिन में ही यहाँ पर वापस आना है। ठीक है फिर सोनू भाई, जी बिल्कुल मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है चलिए।